दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैनन ब्लॉग्स। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम लोग जल्द अनबॉक्सिंग लाते रहेंगे, तो इसी के साथ हम लोग अपनी ब्लॉगिंग ये सोच रहे हैं कि हम लोग आगे बढ़ाते रहें ब्लॉगिंग को। और ब्लॉगिंग हम लोग इंशाल्लाह डेली पे बेसिस पे भी लाना चाह रहे हैं हम लोग, तो डेली बेसिस की हम लोग की बन रही है अभी। जैसा कि हम लोग ने पहले ही वीडियो बनाई है और अभी भी हम लोग अनबॉक्सिंग लेकर आए। ये अनबॉक्सिंग ऐसी है कि सबके काम की चीज़ है, मेन चीज़ तो ये है। और इसके अंदर एक चीज़ ये है कि भाई के आपको ये कम से कम प्राइस में लेकर आया हूँ मैं। बहुत ढूंढ के मार्केट में मैंने पहले ढूंढा, फिर मैंने बहुत सी जगहों पर ढूंढा, वेबसाइट पर ढूंढा। तो अब मैं आपको ये बताऊंगा मैंने कहाँ से परचेज़ किया है इसको, तो आप भी परचेज़ कर सकते हैं। इसका नाम बताएंगे हम और क्या चीज़ लाएँ तो ये भी बताएंगे आपको। और मैं आपको बता दूँ कि ये है हमारी मेन चीज़ क्या है, हमारा माइक है। ठीक है, लोग लाते हैं बोया का माइक और बहुत से तरह के आते हैं, महंगे से महंगा ला रहे हैं, 80 मिसाल के तौर पर 8,000, 9,000, 20,000, 30,000। लेकिन क्या है कि देख के नहीं लाते हैं। अब मिसाल के तौर पे भी निकला है कि भाई लोग बोलेंगे हमारे पास तो BM 800 चल रहा है। BM 800 मैंने ही बहुत चलाया है, अच्छी चीज़ है, लेकिन ना अब वो लोकल में आने लगी है। और लोकल में आने लगी है तो फिर उसके अंदर हमें पता नहीं चलता है लोकल क्या है, ओरिजिनल क्या है। हाँ, लाहौर में उसके अंदर ये है कि लाहौर में तो उनके अपना कंपनी है जहाँ पे बन के निकालते हैं, वो वहाँ से आप ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। लेकिन ये माइक उससे ज़्यादा अच्छा है, ये बाहर की कंपनी का। तो इसी के साथ इसका नाम भी बताते हैं और इसकी अनबॉक्सिंग भी शुरू करते हैं। हम अपनी अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। ये FIFAM टेक्नोलॉजी का माइक्रोफोन है और अब इसकी अनबॉक्सिंग हम शुरू करते हैं। तो उससे पहले भाई मैं आपको बता दूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करा करें। अब बहुत से लोग हैं कि सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन नहीं ऑन करते हैं, तो बेल आइकन आप ऑन कर लिया करें। बेल आइकन आप ऑन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन शो हो जाएगा कि मेरी वीडियोस आ रही हैं। ठीक है, तो अब अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। तो जी, सबसे पहले तो हमें एक ये हार्ड फोम मिल जाता है रखा हुआ, पैकिंग बहुत अच्छी दी है। हार्ड फोम के बाद हमारे सबसे पहले गाइड बुक मिल जाती है। ठीक है, अब उसके बाद जो हमारी मेन चीज़ जो आ जाती है वो आ जाता है ये हमारा पूरा सेटअप। ठीक है, अब उसमें सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी केबल। केबल आप देख सकते हैं FIFAM इसके ऊपर लिखा हुआ है, ये बहुत अच्छा है कि केबल माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त दी है। और केबल है हमारी मेटल की। ठीक है, इसका कवर भी मेटल का दिया है, इसकी ये भी मेटल की दी है जो उसके अंदर लगेगी। और ये अच्छी चीज़ है कि केबल बनाई बहुत ज़बरदस्त है, ये देख सकते हैं हम। ठीक है, और उसके बाद फिर हमारी आ जाता है माइक कवर। इसके बाद ये हमारा आ जाता है माइक कवर, ये देख सकते हैं ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी में, देखें फोम बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में। ठीक है, अब उसके बाद फिर आ जाता है हमारे ये आ जाता है हमारा कवर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं ये भी दिया है इसके अंदर। ये बेसिकली ये होता है कि आपको जैसे कि बहुत से वर्ड होते हैं जैसे जी पी हाँ, तो ये उसको कवर कर दोबारा अंदर इसको निकाल के सिर्फ इतना सा बोलो। इसके बाद हमें ये दिया जाता है, इसको आप आसानी माइक के आगे आसानी से इसको लगा सकते हैं, बस इतनी सी बात बोलो, जल्दी दोबारा रखो इसको शॉपर में। चलो, तो उसके साथ फिर ये दिया जाता है दूसरी चीज़ कि ये इसके आगे आप माइक के आगे आप लगा सकते हैं आसानी से, ये आपकी आवाज़ को कवर करता है। जैसे कि बहुत से वर्ड होते हैं उसको ये कवर करके आगे आराम से भेजता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा आ जाता है ये माउंट करने का मेन चीज़, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, ये आप इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ देख सकते हैं कि हर चीज़ मेटल की दी है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आप इसकी क्वालिटी, देखिए आप क्वालिटी, आप देख सकते हैं इसकी क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त दी है, बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है, देख सकते हैं आप। ठीक है, ये टेबल पे माउंट करने का है, अभी आपको करके दिखाएंगे हम। और उसके बाद फिर हमारा आ जाता है ये आ जाता है स्टैंड, ये है स्टैंड। ये जैसे अगर आपको खाली अगर माइक लगाना है, अगर खाली माइक लगाना है, खाली माइक अगर आपको सिर्फ खड़ा करना है यहाँ पे, तो उसको आप माइक को इसके ऊपर माउंट करके आराम से टेबल के ऊपर रख सकते हैं। और ये चीज़ भी बहुत अच्छी है, मैं बता रहा हूँ हर चीज़ मेटल की, ये भी मेटल का बना हुआ है, इसकी टोटल चीज़ मेटल की है, देख सकते हैं आप इसकी क्वालिटी, देख सकते हैं।
ये ऐसे बंद हो गए। ठीक है, अब इसके बाद हमें आ जाता है, ये मिल जाते हैं हमें जो कुछ एक्सेसरीज दिए हैं, ये जो माउंट जो होगा ना इसके अंदर जो माउंट होगा ये उसके साथ एक एक्स्ट्रा दिया जाता है आपको कवर, और ये डोरी दी जाती है, अगर डोरी आपकी ख़राब हो जाए तो आपको डोरी मिल जाती है। अब उसके बाद आ जाता है हमारा ये माइक के ऊपर लगाने के लिए, ये आराम से इसको देखा होगा इसके कवर होता है, ये भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी में, ये प्लास्टिक में लेकिन ये क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, आप देख सकते हैं। देखिए मैं इसको कितना दबा रहा हूँ, माशाल्लाह क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है इसकी। अब उसके बाद हमारी आ जाते हैं इसका स्टैंड, ठीक है, ये देख सकते हैं आप स्टैंड बहुत ज़बरदस्त है। स्टैंड बहुत से होते हैं कि आपको बोलेंगे कुछ, दिखाएंगे कुछ, देंगे कुछ, ऐसा होता है, लेकिन आप इसकी क्वालिटी देख सकते हैं, ये देखिए, ये देखिए बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी दी है इसकी, देख सकते हैं आप। स्प्रिंग भी बहुत ज़बरदस्त दी है, स्प्रिंग ऐसे वैसे नहीं है कोई, स्प्रिंग बहुत ज़बरदस्त है, देख सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हमारी मेन चीज़ आ जाती है, मेन चीज़ आ जाती है हमारी, ये आ गया हमारा माइक्रोफोन, ठीक है, ये आ गया हमारा, इसको आप देख सकते हैं, इसकी सबसे पहले तो आप क्वालिटी देखिए, ये देखिए, ठीक है, पूरी क्वालिटी देख लीजिए पहले आप आराम से, ये देखें हर चीज़ इसमें मेटल की, ये नहीं है कि अल्लाह ना करे अगर गिरता विरता कुछ होता है तो पहले ख़त्म हो जाए, जाली भी बहुत ज़बरदस्त दी है इसकी। और उसके बाद फिर मेन चीज़ आ जाती है इसके अंदर साउंड का, ये देखें ये साउंड, साउंड का बहुत ज़बरदस्त दिया है, ये एंड है, ये जब आप इसको घुमाएंगे थोड़ा सा, ये देखें ये एरो बना हुआ है, एरो को आप देख के जब चलाएंगे एरो को करेंगे तो ये फुल हो गया। तो अब इसको हम कनेक्ट करके भी दिखाएंगे और चला के भी दिखाएंगे, इसका साउंड बताएंगे ये साउंड कैसा है, तो अब इसको हम कनेक्ट करके आपको बताते हैं, तो चलिए इसको कनेक्ट करते हैं। तो चलिए अब हम अपने माइक को कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, कनेक्ट ही होगा ना, हाँ कनेक्ट कनेक्ट, तो उसको बोलेंगे। चले अब हमने माइक को रेडी कर लेते हैं। अच्छा चले हम अपने माइक को रेडी कर लेते हैं, फिर उसके बाद कंप्यूटर में कनेक्ट करके बताएंगे आपको, और अभी कनेक्ट करना भी सिखाते हैं आपको। और एक चीज़ बता दूँ, ये कंप्यूटर के लिए और बहुत सी चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, DSLR कैमरे में यूज़ हो जाएगा, बहुत से कैमरे उनमें भी यूज़ हो जाएगा। अच्छा मोबाइल के लिए नहीं होता, मैं पहले बता दूँ, बहुत से लोगों के कमेंट्स आते हैं कि मोबाइल के लिए भी, मोबाइल के लिए आपके लिए दूसरा आता है माइक, तो वो माइक आप कर सकते हैं, लेकिन ये है कि मोबाइल के लिए दूसरा बना है, ये जो बेसिकली जो चीज़ बनी है ये है कंप्यूटर के लिए बनी है, ये कंप्यूटर के लिए, ये कैमरों के लिए। अब बहुत से लोग बोलेंगे कि आप तो ये वाली केबल लाएँ USB वाली, तो ये अब जो कैमरे जो आ रहे हैं ना आपके, तो वो भी USB वाले आ रहे हैं, देख सकते हैं आप, तो वो अब बोलेंगे अब आप गोल्फिंग वाले भी आ रहे हैं, भी ये गोल्फिंग वाले आ रहे हैं माइक, गोल्फिंग वाले आ रहे हैं, लेकिन अब वो ऐसा ऐसा ख़त्म हो रहे हैं, अब सब टाइप सी माइक्रो USB की तरफ आ रहे हैं, तो अब आप इसको देख सकते हैं, ये आराम से कनेक्ट हो जा सकता है, आप मार्केट में इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अब हम ले आते हैं अपना माइक ही ले आते हैं, सबसे पहले माइक के ऊपर हम ये चढ़ाएंगे फोम, ठीक है, ऐसे ऐसे करना। अच्छा इस फोम में ये अच्छी चीज़ है कि ये वॉशेबल है, आराम से वॉश करके आप वापसी लगा सकते हैं इसको, ये लग गया हमारा, देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद कोई इतनी ज़्यादा चीज़ नहीं है कि कनेक्ट नहीं हो रहा हमसे, लग नहीं रहा, बहुत आसान चीज़ है। उसके बाद फिर ये ले लेंगे हम, ठीक है, इसको हम खोलेंगे, ये देख सकते हैं आप, ये स्क्रू दिए, ये देख सकते हैं, ये यहाँ से खुलेगा ऐसे, ज़्यादा टाइट नहीं होगा ये, बस ये खुल गया, अच्छा ये चीज़ है कि अगर ये अल्लाह ना करे अगर आपका ये कुछ हो जाता है, टूट जाती है ये चीज़, ये देख सकते हैं, तो ये मार्केट में मिल जाती है इसकी चीज़, इसकी एक्सेसरीज़ मार्केट में मिल जाती हैं, फिर आप इसको निकाल लेंगे, ये देख सकते हैं अभी माइक ऐसा हो गया आपका। अब उसके बाद हम ये लेंगे, ठीक है, फिर इसको अब माइक को हम ऐसे करके होल्ड करेंगे इस पर, होल्ड करने के बाद फिर अब इस चीज़ को, ये जो चीन है ये इसको अब लगाएंगे उल्टा ऐसे करके, ठीक है, इसको ऐसे करके लगाएंगे, थोड़ा सा इसको ऐसे करके रख लेते हैं हम, ये ऐसे आ गया अब,
उसके बाद फिर ये यही लेंगे ये चीज़, और फिर इसको ये लगा देंगे, कस देंगे इसके अंदर। एक मिनट ज़रा उल्टा लगी है, ऐसे लगेगा। उसके बाद फिर इसको कस देंगे, ज़्यादा नहीं कस देगा कि इतना ज़्यादा कस देंगे पता चला ख़त्म ही हो जाए उसका थोड़ी। बस एक नॉर्मल उसमें ये हो गया हमारा फिक्स, ठीक है। ये देख सकते हैं भाई, इतना करें ये होल्ड हो जाए, ये नहीं हो कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा कर दें हम इसको। आप साइड पे रखते हैं। अच्छा इसका तो अभी कोई काम नहीं है, इसको अगर आप करना चाहें तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कनेक्ट करके अभी दिखा देता हूँ कि अगर आप रखना चाहें तो किस तरीके से आप रखेंगे। मैं भी आपको करके दिखा सकता हूँ। ये देखिए, ये आपका दिया था, ये मैंने बताया था, ये आपको दिया भाई ये चीज़। इस पर आप होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इस पर आप होल्ड करके इसको ऐसे करके खड़ा कर सकते हैं। इस पर आप होल्ड करके इसको खड़ा कर सकते हैं। दोनों से किसी एक चीज़ पे भी आप होल्ड कर सकते हैं, ये देख सकते हैं दो दिए में किसी भी चीज़ पे होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हम, तो उसको साइड में रखते हैं। उसके बाद ये अभी हमारे किसी काम का नहीं है, ये एक्स्ट्रा मिला हुआ है, तो उसको साइड पर कर देते हैं। उसके बाद मेन चीज़ आ जाती है केबल, सही है। तो केबल सबसे पहले हम खोल लेते हैं। केबल खोलने के बाद इसकी ये वाली जो केबल है ये आपको माइक में कनेक्ट करनी पड़ेगी। माइक ले आए हम, वापसी आ गया हमारा माइक। ये माइक में आप कनेक्ट करके दिखाएंगे आपको, ये देख सकते हैं। एक सेकेंड, ये हो गया कनेक्ट, ठीक है। अब इसको साइड पर कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है ये होल्ड करने का, इसका ये होल्ड करने का जो, पहले इसको थोड़ा सा खोल लीजिए, ये ऐसे ऐसे करके थोड़ा सा खुल जाएगा, जितना आपका टेबल में आपको लगाना है। ये खुल गया, सही है। अब उसके बाद फिर ये देखें, ये जो स्टैंड था हमारे उसके अंदर रॉड दिए, ये तकरीबन 2 इंच की है, 2 इंच 3 इंच की रॉड है, तो ये इसके अंदर होल्ड कर लेंगे। ये देखें इसके अंदर ये दिया हुआ है होल्ड, इसके अंदर होल्ड कर लेंगे। अब ये ऐसे गया ये, उसके बाद फिर ये स्क्रू दिया है हमें, ये स्क्रू को कस लेंगे ये थोड़ा सा टाइट करके, ज़्यादा टाइट नहीं। बस ये हो गया, फिक्स हो गया ये। अब उसके बाद इसके साइड पर आ जाते हैं। अच्छा अब इसके अंदर हमें ये देखें, फोम मैंने अभी लगा लिया था, मैंने फोम इसके अंदर एक फोम रखा हुआ था छोटा सा। आप इसको फोम को लगा लीजिएगा, क्योंकि जब आप इसको ये लगाएंगे, इसका ये कवर जो होता है, इस कवर से आपको ये होगा कि ये जो कवर आप लगाएंगे इससे आपको निशान पड़ जाएंगे। तो ये देख सकते हैं आप, पहले हम लोग को भी नहीं पता था, हम लोग ने ये निशान लग गए गलती से, इसमें कोई ज़्यादा इशू नहीं है, ये देख सकते हैं, ठीक है। इसको भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये लेना है, इसको ज़रा ज़्यादा खोल लेगा थोड़ा सा, और ये बस ऐसे करके, ये देख सकते हैं ऐसे करके, बस इसके बाद फिर इसको ऐसे करके कस देना है, देख सकते हैं ये थोड़ा सा और, बस ज़्यादा कसना नहीं है। उसके बाद फिर ये देख सकते हैं, या आप इसको आराम से जिस तरह से होल्ड करना है आप इसको कर सकते हैं। अब मुझे इस एंगल में चाहिए, तो इस एंगल में करने के बाद ये देखें, ये नट दिया हुआ है हमें, इसको हम ऐसे करके कस देंगे, बस फिक्स हो गया। अब हम इसके अंदर माइक कनेक्ट करेंगे, इसको भी थोड़ा सा कसेंगे, ये देखें दिया हुआ है, घुमाया हमने थोड़ा सा, अब ये थोड़ा सा टाइट हो गया, जितना जैसे उस पर टाइट करना है हम कर देंगे इसको ऐसे करके, हो जाएगा टाइट आराम से। माइक को होल्ड करके दिखाते हैं इसके ऊपर, एक मिनट केबल निकाल देते हैं, वरना केबल ना होंगे, केबल को हटा दिए, ये देख सकते हैं। ज़रा मैं कैमरा आगे कर लूँ थोड़ा सा,
ये देखिए, ये देखिए, ये हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर इसको कर देंगे, ये दिया हुआ इसको, इसको भी ज़रा सा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद ये होल्ड हो गया, किस जगह पे होल्ड करना है आप वो देख सकते हैं, देख सकते हैं, ये हो गया हमारा रेडी, ये हो गया रेडी। अब उसके बाद ज़रा इसको ऑन कर लेंगे, ये ऐसे करके आ, ठीक है। अब इसको माउंट करके दिखाते हैं, होल्ड करके कैसे होल्ड होगा, ये देख सकते हैं आप, ये पूरा दिखाएगा, ठीक है। अब केबल का भी आपको दिखा देते हैं, केबल वापसी कनेक्ट करके, केबल को आप आराम से इसी के अंदर ले जा सकते हैं, केबल को आप इसी के ऊपर रख लें हल्का सा, ऐसे करके आप ले लें इसी के ऊपर से, बस हो गई, ठीक है। अब इसको होल्ड करके दिखाते हैं चार्ट। तो इसी के साथ हम लोगों ने कनेक्ट कर लिया कंप्यूटर से इसको, तो ये देख सकते हैं हमने होल्ड भी कर लिया इसको, आप टेबल को होल्ड कर सकते हैं इसको किसी भी टेबल पर। तो आपको वॉइस सुनाता हूँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैनन ब्लॉग्स। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैनन ब्लॉग्स। अब ये देख सकते हैं कि ये इस वॉइस में और मेरी वॉइस में कितना फ़र्क है, ठीक है। माइक की वजह से बहुत अच्छी आवाज़ आती है, अभी थोड़ी आवाज़ स्लो करिए, तो वैसे माइक की आवाज़ बहुत ज़बरदस्त है, आपको अलग से भी सुना देंगे, तो आप देख सकते हैं इसके साथ। तो इसी के साथ आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम लोग जल्द वीडियोस लाते रहेंगे, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन कर दिया करें, बेल आइकन जो बहुत से लोग ऑन नहीं करते हैं, खाली सब्सक्राइब करके हट जाते हैं, तो उसकी वजह से ये होता है कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिलता, ठीक है। तो बेल आइकन ऑन कर दिया करें लाजमी, ठीक है, और फिर इंशाल्लाह फिर आपसे मिलते हैं।